भारतीयों के इस कदम से निकलने लगा पाकिस्तान का दम, निकलने लगी हेकड़ी, खाली पेट कब तक लड़ेगा पाकिस्तान। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान चौतरफा घिरता दिखाई दे रहा है। भारत आतंक परस्त पाकिस्तान को घुटने के बल लाने की रणनीति में जुटा है। भारत ने एक तरह से फैसला कर लिया है कि सैन्य कार्रवाई से पहले उसकी ऐसी हालत कर दी जाए कि वो गिड़गिड़ाने लगे और आतंकियों पर नकेल कसने के लिए विवश हो जाए। हाल ही में एक खबर सामने आई थी कि भारतीय कारोबारियों ने पाकिस्तान से सीमेंट लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इसके बाद अब टमाटर व्यापारी भी पाक को सबक सिखाने के लिए नुकसान सहने को तैयार है। एमपी के झाबुआ के करीब 5000 किसानों ने पाक को टमाटर निर्यात नहीं करने का फैसला किया है, जिसका असर अब दिखने लगा है। बीते एक हफ्ते के अंदर टमाटर में करीब 100 रुपए तक का उछाल आया है। पुलवामा हमले से पहले इस्लामाबाद में टमाटर 60 से 70 रुपए किलो बिकता था, लेकिन अब वहाँ 175 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर ही नहीं, लहसुन और अदरक ने भी पाकिस्तानियों को बेहाल कर रखा है। पहले इस्लामाबाद में लहसुन 110 रुपए किलो आसानी से मिल जाया करता था, लेकिन लहसुन अब 155 रुपए किलो तक पहुंच गया है। वहीं अदरक भी पाकिस्तानियों को सबक सिखा रहा है। खबरों की माने तो 100 किलो बिकने वाला अदरक अब 165 रुपए किलो बिक रहा है। इसके अलावा वहां का छुआरे का कारोबार भी काफी प्रभावित हुआ है। वाघा बॉर्डर पर छुआरों से लदे सैकड़ों ट्रक खड़े हैं। कारोबारियों की माने तो एक ट्रक में करीब 15 लाख रुपए का छुहारा होता है, जिसमें 200% इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से 15 लाख रुपए छुहारे पर करीब 30 लाख रुपए की ड्यूटी लगा दी गई है। पाकिस्तान का कई छुहारा मार्केट में कारोबार बंद हो चुका है। आंकड़ों के मुताबिक भारत पाकिस्तान के बीच सड़क रास्ते से 138 वस्तुओं का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जबकि वाघा बॉर्डर से दोनों देशों के बीच हर दिन 50 से 60 ट्रकों के जरिए सामानों का आना जाना होता है। इससे पहले भी भारतीय कारोबारियों ने पाकिस्तान से आए सीमेंट के 600 से 800 कंटेनरों को वापस कर दिया है। एक पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक फिलहाल ये कंटेनर कराची पोर्ट, कोलंबो और दुबई पोर्ट पर पड़े हैं। जाहिर है आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान की हालत और खराब होने वाली है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि महज इन छोटे मोटे कदमों से ही पाकिस्तान का दम निकलने लगा है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।